के भीड़ भाड़ से दूर चट्टानों पर 21 शिवलिंग, रांची के चुटिया में नदी के तट पर विराजमान है महादेव। आज हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसी कहानी जो लगभग आज से 500 साल पहले रची गई थी। सत्यम शिवम सुंदरम, जो सत्य है वह ब्रह्म है, ब्रह्म अर्थात परमात्मा। जो शिव है वह परम शुभ और पवित्र आत्मा तत्व है, और जो सुंदरम है वही परम प्रकृति है, यानी कि शिव ही सब कुछ है। रांची के चुटिया में स्वर्ण रेखा और हरमू नदी के संगम के पास चट्टानों पर विराजमान है महादेव। चुटिया में इस ऐतिहासिक धरोहर पर शायद किसी का ध्यान अब तक नहीं गया, ना सरकार का और ना ही श्रद्धालुओं का। नतीजा ये है कि यहाँ अब 18 शिवलिंग बचे हैं और बाकी सिर्फ निशान। धीरे धीरे लोगों के रखरखाव के कमी के कारण, सरकार की उदासीनता के कारण आज यहाँ शिवलिंग विलुप्त होने की कगार पे हैं। आप मुश्किल से गिन पाएंगे, यहाँ तो 17-18 शिवलिंग आपको दिखेंगे। और ये काफ़ी अच्छा स्थल हो सकता है, पूरे झारखंड में ऐसा कहीं पे भी आपको नहीं मिलेगा शिवलिंग। इसको बचा कर रखने का एक ही उपाय है कि या तो हम इसको हेरिटेज घोषित करें, टूरिस्ट प्लेस घोषित करें, इसको सुरक्षा प्रदान करें, क्योंकि अब ये एक तरह का हमारा इतिहास का एक जो है साक्षी है। कहा जाता है कि आज से लगभग 500 साल पहले नागवंशियों के चौथे राजा मदन राय ने पिठोरिया रांची के सुतियांबे पहाड़ से हटाकर चुटिया में स्वर्णरेखा नदी के तट पर राजधानी बनाई थी। उसी दौरान यहां शिवलिंग की आकृतियां भी बनाई गई थी। नागवंशी राजाओं के द्वारा बहुत प्राचीन में बनवाया गया था, और उसी समय से यहाँ पर महादेव और नाग देवता का यहाँ वास है, और जो भी मनोकामना के लिए करके लोग आते हैं तो उनकी मनोकामना पूरा होता है। खास कर करके यहाँ पर ये आपको काल सर्प दोष का शांति अधिक रूप में लोग आते हैं शांति कराने के लिए। शिव और शिवलिंग के महत्व से भक्तों को भरा कैसे इनकार हो सकता है, लेकिन जिस तरह से एक एक करके यहाँ के शिवलिंग विलुप्त होते जा रहे हैं उसे तो यही लगता कि हम चुटिया स्थित इस धरोहर को बचाने की कोशिश नहीं कर रहे। तो क्या आने वाले समय में बाकी बचे शिवलिंग भी विलुप्त हो जाएंगे, या यूँ कह ले कि आने वाले समय में यहाँ पर शिवलिंग विलुप्त होकर मिटते निशान बन जाएंगे। कैमरामैन अभिजीत के साथ श्रुति प्रकाश, इन्फो इंडिया, रांची।